हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पंचायत समिति संगरिया की बैठक में विवाद हो गया है। संगरिया विधायक गुरदीप शापीनी और तहसीलदार में तू तड़ाक तक हो गई। दोनों में हाथापाई तक की नौबत पहुंच गई। बैठक में अन्य सदस्यों ने बीच बचाव किया। फसल खराबी की स्पेशल गिरदावरी को लेकर ये विवाद उपजा। विधायक गुरदीप शापीनी कर रहे थे स्पेशल गिरदावरी की मांग। बरसात, ओलावृष्टि और अंधड़ से खराब हुई थी फसल। और अब देखिए कि किस तरह से हालातों का जायजा लेते लेते ये विवाद की स्थिति हो गई। विधायक और तहसीलदार के बीच में तू तड़ाक हो गई। जिस तरह से प्रदेश में गुरुवार को आंधी तूफान से माहौल खराब हुआ, ऐसे में अब गिरदावरी कराने की कोशिश, राहत देने की उन लोगों को कोशिश की जा रही है जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। मौतों का आंकड़ा किस तरह से बढ़ा है, देखिए 40 से अधिक लोग प्रदेश में घायल हुए, तो वहीं प्रदेश में कुल बताया जा रहा है कि 16 लोगों की मौत हो गई है। और अब ये देखिए तस्वीरें भी, वीडियो सामने आया है पंचायत समिति संगरिया की ये बैठक, और बैठक के दौरान देखिए किस तरह से विवाद उपजा। अपनी सीट से खड़े हो गए विवाद के दौरान। मुझे दिखा भी है मुक्त में दे रहे आपको, सुनिए कोशिश कर लो आप इसका, मुक्त में दे रहे आपको, पर्याप्त है, खड़े हो जाओ, क्यों जाएंगे आप जाइए, क्यों क्यों जाऊंगा लगेगी ये देखिए तू तड़ाक की हदें किस तरह से पार हुई। ये साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं क्यों जाऊं यहाँ से, उसके बाद तू तड़ाक और उसके बाद नारे भी लगाए गए। और ये देखिए सबसे पहले दिखा रहे हैं हम आपको ये वीडियो किस तरह से विवाद हुआ। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में स्पेशल गिरदावरी को लेकर के सहमति नहीं बनी, जिसके बाद इस तरह के हालात वहां उपजे। आपा खोते हुए दिखाई दिए विधायक के साथ ही तहसीलदार। ये देखिए पहले तो साधारण रूप से सामान्य तौर पर बातचीत हो रही थी, और उसके बाद बात किस तरह से बिगड़ी कि अपनी सीट से उठ गए विधायक। और फिर इसके बाद ये देखिए लोगों ने पूरी कोशिश की अपनी ओर से इस मामले को ठंडा करने की, लेकिन मामला यहां बनते हुए दिखाई नहीं दिया। एक बार के लिए तो वहां मौजूद अधिकारियों को भी समझ नहीं आया कि किस तरह के हालात वहां उपजे, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें कम ही दिखाई देती है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी कपिल जुड़ गए हैं। कपिल, वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन आप इस पूरी कहानी को बयां कीजिए, किस बात पर इन दोनों के बीच में विवाद उपजा, क्योंकि अपना आपा खो दिया। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि भाजपा से विधायक है संगरिया से गुरदीप शापनी, और ये तहसीलदार महोदय से स्पेशल गिरदावरी की संगरिया में जो ओलावृष्टि से जो अभी नुकसान हुआ है, भारी बरसात से जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर जो तहसीलदार है उनसे बातचीत कर रहे थे। पंचायत की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के दौरान उन्होंने निवेदन किया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। इसमें तहसीलदार के सुर बदले हुए उन्हें नजर आए, क्योंकि ये बीजेपी के विधायक हैं और राज कांग्रेस का है, इसको लेकर उनके सुर बदले हुए उसे लगे, तो वो विधायक इस बात काफी ज्यादा नाराज हो गए और आपस में इनकी तू तड़ाक हो गई, जिसको आप देख भी सकते हैं कि विधायक इतना गुस्सा हो गए कि उसके मारने तक पर उतारू हो गए। जी कपिल, इसके बाद मामला कैसे ठंडा हो पाया और जिस बात को लेकर बहस हुई थी उस पर कोई नतीजा अब तक आया क्या?
बिल्कुल नहीं, अभी तक इस बात पर कोई नतीजा नहीं आया है। स्पेशल गिरदावरी की बातचीत की जा रही थी लेकिन उसको लेकर कोई अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। और जो साथीगण है उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया, काफी देर तक मुर्दाबाद के नारे लगाए तहसीलदार को लेकर, और अभी तक इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कपिल, क्योंकि हम यहाँ राज की बात अगर नहीं करें, क्योंकि भाजपा विधायक है, मान सकते हैं, तहसीलदार है, प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति है, लेकिन क्या जो मांग की जा रही थी स्पेशल गिरदावरी की, क्योंकि हमने देखा किस तरह से किसानों को नुकसान हुआ, यहां अगर एक बार के लिए हम अपनी संवेदनाओं को हटा दें तो क्या वो मांग जायज थी? इन वीडियो के इतर अगर बात करें, जिस मांग को लेकर के यहां विवाद हुआ वो मांग कितनी जायज थी और अब उस पर किस तरह से एक्शन लेगी सरकार? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये स्पेशल गिरदावरी की मांग बिल्कुल जायज थी, क्योंकि पिछले दिनों ही हनुमानगढ़ के अंदर काफी ज्यादा बरसात, ओलावृष्टि और आंधी तूफान आया था, जिसके कारण किसानों की काफी ज्यादा इलाके में, संगरिया के खासकर इलाके में और पूरे हनुमानगढ़ के नोहर बादरा इलाके में काफी ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और सरकार भी इसके प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील है, सरकार भी इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। जी कपिल, अगर सरकार संवेदनशील है तो अब मान सकते हैं कि तहसीलदार के इस रवैये पर कोई एक्शन हो सकता है? जी जी बिल्कुल, संभावना यही है कि तहसीलदार पर कोई ना कोई सख्त एक्शन जरूर होगा। जी अच्छा, क्या इस तरह की अनबन पहले भी हो चुकी है तहसीलदार के साथ? क्या अमूमन इसी तरह के रवैये में दिखाई देते हैं वो, कि अगर उनसे कोई मुआवजे की बात करे तो उस पर इसी तरह का रवैया अपनाते हैं और हट के एक तरह से नारे भी लगाए गए? किस तरह से इस तरह का रवैया नहीं अपनाया जाया था? प्रशासन और अगर राजनेता आपस में समन्वय नहीं बनाएंगे तो लोगों के लिए कार्य किस तरह से हो पाएगा? कपिल जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि तहसीलदार का जो रवैया है शुरू से ही इस तरह का अड़ियल रवैया रहा है, और इस बात की शिकायत अन्य जो नेतागण हैं, अन्य जो अधिकारी हैं, वो भी करते रहते हैं। आखिर ये बात आती है कि तहसीलदार साहब का जो रवैया है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो मतलब हर बात को तूल देने में लगे रहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, भाजपा के विधायक बताए जा रहे हैं, हालांकि जानकारी के उस वक्त दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक हुई। पूरे मामले का खुलासा देखिए दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना मुमकिन इसलिए नहीं, क्योंकि हालांकि वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है, लेकिन क्योंकि किस तरह से विवाद के सुर आगे बढ़े ये तो वहां मौजूद लोग ही इसे बेहतर बता सकते हैं। दोनों पक्षों के सामने आने का इंतजार रहेगा, लेकिन दोनों में तू तड़ाक हुई, विशेष गिरदावरी की मांग की जा रही थी और उसके बाद जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया। एक बार आपको फिर सुनाते हैं कि क्या पूरी घटना हुई थी। मुक्त में हम दे रहे हैं आपको, खड़े हो जाओ, हो जाओ, क्यों जाएंगे आप? आप जाइए, तेरे लगेगी आपके पास आदेश ही नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हो आप, आप कर रहे हो गुमराह लोगों को। अरे हट जल्दी यहां से, ये कौन है गेट वाला? मुझे तो कहां कर रहा हूं पता है कि कहां कर रहा हूं, नुकसान हुआ है, बदल गया हूं। चलिए वीडियो देखकर आप खुद ही ये तय कीजिए कि आपको यहाँ किसकी गलती दिखाई दे रही है, लेकिन गलती चाहे जो भी हो लेकिन रवैया दोनों ही पक्षों का यहाँ ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी थी, क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है। देखिए ये किसानों के हितों से जुड़ा मुद्दा है, हालांकि अब इस पर फैसला सरकार को, प्रशासन को लेना है। और हमारे साथ तहसीलदार विश्व प्रताप जुड़ गए हैं। विश्व प्रताप जी, वीडियो तो हम देख पा रहे हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे क्या पूरा वाक्य रहा था आपकी जुबानी? दो दिन पहले संगरिया क्षेत्र में जो भारी ओलावृष्टि हुई उससे काफी फसलों को नुकसान हुआ, जिसका मैंने जायजा लिया और परिवहन कलेक्टर महोदय का
आदेश आया था कि सर्वे करके आप खराबे की रिपोर्ट देंगे। तो जायजा लेके हमने खराबे का असेसमेंट किया और खराबा हमने लगभग पूरे खेत है ना घुटनों तक पानी से भर गए हैं, कुछ भी मतलब नरमे की पूरी फसल खराब हो चुकी है जी। तो हमने इसमें खराबा दिखाया 80 से 100%। तो इस बात पे लेके पंचायत समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें मीटिंग में बिल्कुल ये एजेंडे में बिल्कुल कहीं नहीं था। ऐसा कोई विवाद था तो उनको कहना चाहिए था, विधायक जी ने इस मुद्दे पर कि आपने खराबा दिखाया, कैसे दिखाया, खराबा हुआ ही नहीं जब। तो मैंने कहा सर मैंने वहाँ फील्ड विजिट की है और फील्ड विजिट के बावजूद भाई फील्ड विजिट और पटवारी की रिपोर्ट सब ऐसे कह रही है कि भी खराबा हुआ है, मैंने खुद ने देखा है, काश्तकार इकट्ठे हुए हैं। तो कहा कि मैं एक किसान हूँ, मेरे को पता है, आपको मेरे से ज्यादा पता है क्या। मैं क्या मैंने मौके पे खेत देखे हैं, पूरे पूरे खेत भरे हुए हैं, कुछ भी फसल में बचा नहीं। तो रिपोर्ट तो मैं भेजूंगा उसकी, तो मुआवजे की रिपोर्ट मैंने उनको कहा भाई आप मुआवजा दिला दोगे क्या। मैं क्या सर मैं तो रिपोर्ट भेज सकता हूँ, मैंने रिपोर्ट भेज दी है यहाँ से, अब रिपोर्ट अगर सरकार उनको मुआवजा देना चाहेगी तो आगे विचार करेगी, उनको मुआवजा देगी। क्या मुआवजा आपने कैसे बना दिया जब खराबा हुआ ही थी जी। और ऐसे करके फिर गहमा गहमी होगी, मुझे कहा कि आप बाहर चले जाओ, तो मैंने उनको कह दिया भाई मैं क्यों जाऊं जी। विश्व प्रताप जी, क्योंकि हमारे साथ विधायक साहब तो अभी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे आपका पक्ष जानना चाहेंगे। तो आपसे एक सवाल रहेगा कि आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आपका रवैया इस तरह से पहले भी देखा गया, क्योंकि आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे मैं चाहूंगी। मैंने हमेशा जनप्रतिनिधियों का आदर किया है और हमेशा उनके साथ सही बर्ताव किया है, लेकिन जनप्रतिनिधि जब काश्तकारों को खराबा हुआ है, खराबे के बावजूद कह रहा है कि खराबा नहीं हुआ, करीबा खराबा कैसे दिखाया आपने, ऐसा कहेगा तो फिर कहीं ना कहीं इस बात पे अगर मनमुटाव करेगा तो ये तो जन इसके विरोध में हो गया ना मामला जी। चलिए विश्वनाथ जी, अगर वो नाराज होते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। कोशिश करो आप।